Hello guys, myself Soumya and welcome to my channel Lead by a Bird. And today I am going to discuss about Tornaria larva, which is the topic of second year, BSc second year. So listen carefully. तो आज हम बात करने जा रहे हैं Tornaria larva के बारे में, जिसके बारे में हमारे BSc second year के स्टूडेंट ने जरूर पढ़ा होगा. और जो larva है ये बहुत ही ज़्यादा important है, because exam में mostly इसके आने के chances रहते हैं. या तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा कि व्हाट इज Tornaria larva, या इसका जो लॉन्ग में इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिखना पड़ेगा इसके बारे में और इसकी मेटामॉर्फोसिस के लार्वे में उसके बारे में. तो हम करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो Tornaria larva. तो आज का वीडियो जो है वो हम करेंगे स्टार्ट अपने इंट्रो से. Tornaria larva वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई जे म्यूलर इन 1850. सो Tornaria larva के बारे में सबसे पहले बताया था जे म्यूलर ने 1850 में. हु सस्पेक्टेड इट टू बी द लार्वा ऑफ सम स्टारफिश, जो इसको पहले कोई स्टारफिश का लार्वा मान रहे थे. लेटर ऑन इट वॉज नोन टू बिलोंग टू Balaenoglossus clavicaris. बाद में उनको पता चला कि ये जो लार्वा है ये बिलोंग करता है Balaenoglossus clavicaris से. Balaenoglossus clavicaris पे मैंने एक अलग बनाया वीडियो, जिसके बारे में आप देख सकते हैं हमारे आगे और जो वीडियोज़ हैं उनमें. नाउ इट इज़ सो कॉल्ड, इसको हम किसे क्यों बोलते हैं, तो इट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ इट्स हैबिट ऑफ रोटेटिंग इन सर्कल्स. इसको हम ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी हैबिट होती है सर्कल्स में रोटेट करने की, जो कि हमने Tornaria larva में भी देखी थी. नाउ इट इज़ क्लियर, ये बहुत ही साफ होता है, ग्लॉसी होता है अपीयरेंस में, विद एन ओवल बॉडी रेंजिंग अप टू 3 mm इन साइज, जो कि 3 mm साइज का होता है. इट हैज़ ए सेंट्रल माउथ नियर द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द बॉडी. एक पोस्टीरियर टर्मिनल एनस होता है, ए पोस्टीरियर टर्मिनल एनस एंड गट इज, एंड उसका जो गट होता है वो डिफ्रेंशिएट रहता है ईसोफेगस, स्टोमच एंड इंटेस्टाइन में. तो ये जो हमारी राइट साइड इमेज है वो एक्चुअल में एक Tornaria larva की है. उसका पूरा मतलब यहाँ पे बॉडी की मॉर्फोलॉजी दिख रही साफ साफ इस वीडियो इस पिक में. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि ये जो Tornaria larva है उसको सबसे पहले जे म्यूलर ने बताया था 1850 में. और सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो इसको कोई स्टारफिश का लार्वा मान रहे थे, लेकिन बाद में उनको पता चला कि ये बिलोंग करता है Balaenoglossus clavicaris से, क्योंकि उन्होंने उसकी एक हैबिट देखी जो कि Balaenoglossus से मिलती जुलती है. अब हम पढ़ेंगे आगे का स्लाइड में. The cilia forms two ciliary bands. इसका जो सीलिया होते हैं उनके ऊपर दो ciliary bands होते हैं जो कि body surface पे present होते हैं. तो ये इसका थोड़ा सा हमारा फिगर है, जो real फिगर है इसका, और इसके ऊपर दो ciliary bands इस तरीके से यहाँ पे present रहते हैं. तो इसकी body surface पे two ciliary bands जो हैं यहाँ पे present रहते हैं. The anterior and the posterior बैंड्स जो होते हैं वो इसकी बॉडी सरफेस से प्रेजेंट होते हैं. मतलब इसकी बॉडी में दो सिलियरली बैंड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज एंटीरियर एंड सेकेंड वन इज पोस्टीरियर. नाउ अब एंटीरियर वन का फंक्शन क्या है, तो एंटीरियर सिलियरली बैंड्स आर शॉर्ट, ये कैसे होते हैं, ये बहुत शॉर्ट होते हैं एंड इनका काम होता है फूड का कलेक्शन. तो ये फूड को कलेक्ट करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे. द पोस्टीरियर बैंड occur as a ring in front of anus. इसका जहाँ पे anus होता है वहाँ पे एक ring form में ये जो posterior band है वो present होता है. Ciliary organ eyes are cup shaped. इसकी जो organ, इसकी जो sensory eyes जो होती है ना वो तुम cup shaped होती हैं, and the cavity of the cup is filled with a clear material constituting the lens. और इसकी जो eyes जो होती हैं उसके अंदर एक clear material जो होता है filled होता है, जो कि as a lens का काम करती हैं. Now अब इस लार्वा की ये जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नेम है मेटामॉर्फोसिस, जिसके लिए जो लार्वा है ये बहुत ही फेमस है. कौन सी प्रोसेस है, मेटामॉर्फोसिस. ये जो प्रोसेस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इस बारे में ज़रूर पूछते हैं. तो हम पढ़ते आगे. नाउ लार्वा स्विम्स फ्रीली लीड्स ए प्लैंकटोनिक लाइफ. लार्वा जो होता है जब वो अपनी ग्रोइंग स्टेज में होता है तो आराम से वो घूमता है और अपनी एक प्लैंकटोनिक लाइफ जीता है, ठीक है. फीडिंग ऑन माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स एंड मेटामॉर्फोसिस इनटू एडल्ट वॉर्म.
वो मतलब छोटे छोटे माइन्यू ऑर्गेनिम्स जो कि पानी में उसको मिलते हैं उनको खा कर वो बाद में एक एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो अपनी मेटामॉर्फोसिस कर लेता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। अब मेटामॉर्फोसिस में होता क्या है, तो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस साइज इज रिड्यूस्ड, उसका साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है प्रोबेबली ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। से क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी से वाटर का लॉस हो जाता है जब वो एडल्ट बनने को होता है, तो उससे उसका साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। और यहाँ पे उसकी बॉडी में और कौन चेंज आते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी उसकी बॉडी में आती है, ट्रांसपेरेंसी, सिलियरली बैंड्स, सेंसरी सीलिया एंड आई स्पॉट्स आर लॉस्ट। ठीक है, जब वो अडल्ट वर्म बनने को होता है तो उसकी बॉडी की जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसमें जो सिलियरली बैंड्स हैं, उसके जो सेंसरी सीलियाज हैं, आई स्पॉट्स हैं उसके, वो सब गायब हो जाते हैं। बॉडी बिकम डिफ्रेंशिएटेड इंटू प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। उसकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएट आती है पर्टिकुलर तीन पार्ट्स में, जिसका पहला पार्ट है अ प्रोबोसिस, मिडिल पार्ट है कॉलर एंड लास्ट पार्ट है ट्रंक। बाय द एविडेंस ऑफ टू कंस्ट्रिक्शंस एंड द ट्रंक रीजन इज अ एलोंगेटेड। नाउ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स मार्क देयर प्रेजेंस। जब वो मतलब अडल्ट फॉर्म में आता है तो उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो अपनी प्रेजेंस को मार्क कर देते हैं। प्रोबेबली दे डेवलप फ्रॉम मीजोडर्म। ये जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं वो मोस्टली डेवलप करते हैं किससे, मीजोडर्म से। टंग बार जो होती है वो इनमें ग्रो कर जाती हैं, एंड एडहेसिव पोस्ट एनाल टेल, इनके अंदर एक एडहेसिव पोस्ट एनाल टेल भी बन जाती है विच हेल्प्स इन एंकोरिंग द यंग वॉर्म्स एंड लेटर रीअब्सॉर्ब्ड। द एनिमल नाउ सिंक्स टू द बॉटम टू लीड ए बेंथोनिक लाइफ एज एन अडल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस इन सब चेंजेस के साथ साथ उसके बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेंस होते हैं वो भी अपने पेरेंट्स को मार कर देते हैं, वो भी हो जाते हैं जो कि डेवलप करते हैं कहाँ से, मीजोडर्म से। टंग बग्रो करती है और एक एडहेसिव पोस्ट एनाल टेल बन जाती है जिसकी वजह से वो पानी में किसी भी जगह पे अटैच आराम से रह पाते हैं, बाद में फिर वो उनकी गायब हो जाती है। एनिमल जो होता है वो बॉटम में जाके एक अडल्ट की तरह लाइफ जीना स्टार्ट कर देता है। तो हमारा जो आज का वीडियो है यहाँ पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमको बताएं। थैंक यू सो मच।